हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब होता है। तो इस विटामिन डी की कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए, आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बता रही हूँ जिन्हें बच्चों को अगर खिलाया जाता है तो बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं रहती, इसके अलावा बच्चों में आने वाला चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है। तो सबसे पहले विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को रोज़ाना एक गिलास दूध ज़रूर पिलाएं। इसके अलावा आपने योगर्ट ज़रूर खिलानी है, यानी कि क्रीम फुल दही बच्चे को ज़रूर देनी है लंच में। इसके अलावा आप सैलड भी बच्चे को ज़रूर खिलाएं। नेक्स्ट है मशरूम। एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे को खिलाने से विटामिन डी की कमी बच्चों में पूरी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए, यानी कि पनीर खिलाना चाहिए। पनीर खिलाने से भी बच्चों में विटामिन डी की कमी दूर होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और चिड़चिड़ापन गुस्सा दूर हो जाता है। इसके अलावा आप बच्चे को संतरे का जूस पिलाएं। संतरे का जूस पिलाने से भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके अलावा अंडे का पीला भाग जो जिसे योक कहते हैं वो बच्चे को खिलाना चाहिए। इसके अलावा मछली खाने से भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर बच्चों की डाइट में शामिल की जाएं तो बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं रहती। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके बच्चे के काम की है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।